नमस्कार आदाब, मैं हूँ आकिल रज़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है, और इसी को लेकर के इस मौके पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, नेशनल इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं वामसेव की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीषा बांगड़। चलिए उनसे मिल पाते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। जी मैम, जैसा कि संविधान को 7 दशक हो चुके हैं और आज भी कोर्ट के बाहर ये इस तरीके की हत्याएं, लूट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या महत्व रखता है कि आज भी संविधान को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है एक तरीके से? हाँ, जो डॉक्टर अंबेडकर का और जो राष्ट्र के निर्माता थे, अन्य हमारे राष्ट्रीय लीडरान लोग थे, उनका जो सपना था भारत को लेकर, और संविधान वह गाइडिंग फैक्टर होगा जिसके बलबूते पे ये देश चलेगा, तो उस चीज़ को अनफोल्ड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब संविधान को रखा, तब उन्होंने ये बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषण है उनका, और उन्होंने पूरे दुनिया को और ख़ासकर भारत के लोगों को अगवा किया था कि आज हम ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ कि हमारे पास में वोट देने का अधिकार तो है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, राजनीतिक डेमोक्रेसी है, जिसका मतलब कि अगर आप 21 साल से बड़े हो तो आपको वोट देने का अधिकार है। लेकिन अगर ये अधिकार को लागू कराने के लिए, अधिकार को एक्सरसाइज कराने के लिए, अगर आपके पास सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, तो ये राजनीतिक लोकतंत्र काफ़ी नहीं होगा इस समाज में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को लागू कराने के लिए। यह उनका पहला, यह उनकी पहली ताकीद थी, ये उनकी वार्निंग थी। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम लोग ऐसे व्यवस्था के ऊपर हम लोकतंत्र बनाना चाह रहे हैं जो कि असेंशियली अनडेमोक्रेटिक है, मतलब यहाँ की व्यवस्था जो है सामाजिक गैर लोकतंत्र की है, गैर बराबरी की है। जी इसके इस गैर बराबरी के ऊपर अगर आप बराबरी लाना चाहते हो तो यह इसी तरह से होगा जैसे कि काओ डंक के ऊपर हम लोग कुछ बनाना चाह रहे हैं, या धूल के या रेत के ऊपर कोई महल बनाना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे 70 साल के बाद में भी यहाँ पर महिलाओं का प्रताड़न शुरू रहना, वंचित लोगों के ऊपर अत्याचार उस तरह से बरकरार रहना, शिक्षा के दायरे में भारत का इतना नीचे आया हुआ नंबर रहना, या तो बराबरी और गैर बराबरी के जो लोग हैं उनमें इतनी बड़ी गैप बढ़ना, आर्थिक क्षेत्र में कुछ चंद लोग, मतलब इस देश के सिर्फ 5 या 10% लोगों के हाथ में पूरे देश का आर्थिक कंट्रोल रहना, और 90% लोग वंचित रहना, ये सब इस देश ये बताता है कि हम लोग हमारे राष्ट्र निर्माताओं का भारत नहीं निर्माण कर पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम पे कि एक तरफ तो सत्तारूढ़ पार्टी गुणगान भी करती है, फूलार्पण भी करती है बाबा साहब को लेकर के, लेकिन क्या उसके अकॉर्डिंग जो संविधान उन्होंने लिखा है उसको लेकर के क्या फुल उसके जातिवाद, धर्म निरपेक्षता की बात करती है आज की सत्तारूढ़ पार्टी? इस परिप्रेक्ष्य में ये बताना चाहूंगी कि दुनिया भर में विख्यात व्यक्ति है, उनका नाम ऑस्टिन है, उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर का संविधान ही नहीं तो पूरे हमारे देश का संविधान ही नहीं तो पूरे दुनिया के संविधान का आकलन किया है, और उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान जो है यह एक रूल्स एंड रेगुलेशन की किताब नहीं है, यह सिर्फ एक्ट और प्रोविजंस की किताब नहीं है, तो ये सोशल डॉक्यूमेंट है। इस चीज़ को ही कहा। वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे थे? क्योंकि जिस भी देश का कोई संविधान होता है वह उस देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम या समस्या का निराकरण करने के लिए बनता है। वरन अगर ब्रिटिश का अगर संविधान बनता है तो वहाँ पर अगर राजशाही चल रही है तो उसको तबाह करने के लिए बनता है। अगर यूरोप में संविधान बनता है तो वहाँ पर जो सबसे प्रताड़न की सबसे महत्वपूर्ण जो वजह रही है कि आर्थिक गैर बराबरी, उसको सल्यूशन लाने के लिए बनता है। तो हर देश की स्थिति के अनुसार वहाँ का संविधान बनता है। क्यों? ताकि वहाँ पर क्रांति लाई जा सके, वहाँ पर तब्दीलियाँ बहुत बड़े पैमाने में लाई जा सके। और क्योंकि भारत की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद, ब्राह्मणवाद और यहाँ की गैर बराबरी है, यह संविधान जो बना था
यह सबकी सम्मति से बना था और यह यहाँ की सामाजिक गैर बराबरी को तोड़ने के लिए बना था, यह जातिवाद को तोड़ने के लिए बना था। और इसी बात का पुष्टिकरण डॉक्टर के आर नारायणन, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये सोशल रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है, उन्होंने इस बात को कहा। और आप देखेंगे कि अगर ये सोशल रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है तो फिर उसको निभाने के लिए जिन लोगों की जिम्मेवारी लगाई थी पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से, अलग अलग राज न्यायालय न्यायाधीशों के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से, लेजिस्लेचर के माध्यम से, शैक्षणिक संस्थाओं में, ये लोग कौन थे? इन्होंने इस किताब में लिखी हुई गाइडिंग फैक्टर्स का और उसको लागू करने वाली चीज़ों का इन्होंने इस तरह से दगाबाजी क्यों की, इन्होंने इसके साथ बगावत क्यों की? तो हमको नज़र आता है कि जो शासक वर्ग है, जो ब्रिटिशर्स छोड़ जाने के पहले जो शासक वर्ग था उच्च वर्णीय लोगों का, उसी वर्ग ने आज़ादी के बाद में भी यहाँ का शासन संभाला। उनकी नीति और मूल्य संविधान के साथ नहीं रहे, वह उच्च वर्णीय व्यवस्था को ही प्रस्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लगातार संविधान के साथ दगाबाजी की, उसको लागू नहीं किया। जैसे कि मैम, आरक्षण को लेकर डॉक्टर भीम अंबेडकर साहब का ये सपना था कि आरक्षण मिले, जो पिछड़े लोग हैं वो समानता आए, मतलब हमारे देश में। तो क्या आज का संविधान इस पर किस तरीके से काम कर सकता है, जो क्या समानता वो आई है आपके नज़रिए से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इस देश में सबसे ज़्यादा मिस गाइडिंग फैक्टर बनाया गया है या मिसकंसेप्शन फैलाई गई है कि रिज़र्वेशन यह एक तरीका है कि कोई चीज़ें रिज़र्व करके रख दिया जाए, या जैसे कि बस में रिज़र्व करके रखते हैं, या इस एक तरीका है। लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या है, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है रिप्रेजेंटेशन का, मतलब जितने लोग हैं हर कोई वहाँ पर रिप्रेजेंट होना चाहिए। जो कम्युनल अवार्ड्स का जो 1935 का था, वह मुस्लिम लोगों के रिप्रेजेंटेशन का था, सिखों के रिप्रेजेंटेशन का था, नॉन मुस्लिम्स और SC ST OBC के लोग जो थे उनके रिप्रेजेंटेशन का, अछूतों के रिप्रेजेंटेशन का था। तो प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन थ्रू रिजर्वेशन बोला है, रिजर्वेशन नहीं बोला है। इस देश में अगर रिजर्वेशन किसी को मिला है और किसी ने लिया है कि अबाधित रिजर्वेशन लेके रखना, कब्जा करके रखना, वो एक ही वर्ग ने किया है और वो है यहाँ का ब्राह्मण उच्च वर्णीय वर्ग, उसने रिजर्वेशन लेके रखा है। ये संस्कृति जो रिप्रेजेंटेशन की है, इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान सभा में ये कहा इस बात को कि ये संस्कृति श्रमण संस्कृति है, ये इस देश की संस्कृति है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई चीज़ नहीं है, ये संघ की संस्कृति है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मायने रखता है और सभी लोगों की सहभागिता, सभी लोगों का भागीदारी। तो यह इस देश में नहीं हो पाया। और इतना ही नहीं, तो मेरिट के नाम पे जिन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन लेके रखा है, 1.5% उच्च वर्णीय लोगों ने, उन्होंने वंचित लोगों को, 90% लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन के नाम से इनको कभी रिजर्वेशन कैटेगरी का बोल के इनको मजाक उड़ाया, तो कभी इनको मेरिट के नाम पे मजाक उड़ाया, कभी बुद्धू बोल के उड़ाया, कभी इनको अकल नहीं है करके उड़ाया, कभी इनको रिजर्व कैटेगरी बोला, क्या क्या नहीं करके बोला, अपने आप को जनरल कैटेगरी बोला, तो इस तरह का कहा हुआ। मैम, संविधान दिवस के मौके पर आप नेशनल इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो से दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले ये सोशल जस्टिस का जो आजकल चल रहा है, उसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि आप हुक्मरान रहिए, आप राज करते रहिए, हमको बस सोशल जस्टिस दे दीजिए, मतलब इस तरह से कि दयनीय स्थिति में ये मामला 90% लोगों की आज़ादी का है, आर्थिक आज़ादी, शैक्षणिक आज़ादी, पॉलिटिकल आज़ादी, और आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में ये आज भी गुलाम है। तो ये सामाजिक परिवर्तन का मामला है, संविधान सामाजिक परिवर्तन और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की मंशा को लेकर चलता है। हमारे जो बहुत बड़े लीडर है लालू प्रसाद यादव जी ने सही कहा कि अगर तो बीजेपी सरकार, अगर तो कांग्रेस सरकार अगर कहती है कि सिर्फ डॉक्टर आम्बेडकर का नाम ले लेना, जय भीम बोल लेना, तो कोई उनके नाम से सेंटर खोल देता है, तो कोई पुतला लगा देता है, तो कोई और कोई सेंटर खोल देता, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर वाकई में उन लोग अगर है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और जातिवाद निर्मूलन की मिनिस्ट्री बनाएं,
और हमारे लोगों ने उसके लिए बोलना चाहिए। मिनिस्ट्री बनेगी तो किस तरीके से जाति निर्मूलन होना चाहिए, किस तरह से जाति जाति में जो संघर्ष बना हुआ है, जिस तरह से हिंदू के नाम पे सिर्फ ब्राह्मण वर्ग सत्ताधारी बना हुआ है, हिंदू की राजनीति और रिलीजन को और धर्म की राजनीति जो चलाने में ये लोग सफल हो रहे हैं, यह सब चीज़ें इनको इनके ऊपर आकलन होगा, लोग तरीके निकालेंगे, इस चीज़ को बदला जाएगा। तो ये सामाजिक परिवर्तन का मामला है ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये समरसता का भी मामला नहीं है। समरसता क्या कहता है कि जैसे गैर बराबरी है तो गैर बराबरी को लेके चलते रहो, बस हमसे समरस हो जाओ। यानी उच्च वर्णीय लोग और सत्ताधारी शासक वर्ग को क्या करना चाह रहा है कि हम लोग शासक बने रहेंगे, आप गुलाम बने रहिए, लेकिन हम लोगों में प्यार और मोहब्बत और समरसता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वह गैर बराबरी तो बनी रहेगी, जो वंचित रहेंगे वो वंचित ही रहेंगे। तो ये समरसता का भी मामला नहीं है जो बीजेपी लेके चल रही है और संघ परिवार लेके चल रहा है। हमको आंदोलित होना चाहिए। राजनीतिक ध्रुवीकरण जो हो रहा है और धार्मिक ध्रुवीकरण जो हो रहा है, यह उस कम्युनलाइजेशन जो हो रहा है, सांप्रदायिकता जो बढ़ाई जा रही है, इसको ख़त्म करना चाहिए। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी वामसेव की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो कि बता रही थी कि कैसे हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में एकता बढ़ाई जाए, उसका मैसेज दर्शकों को दे रही थी।